सतनाम। करता पुरख जी की वार्ता होवे, सतगुरु सेवा राम जी दियां बख्शिशां होवन, जे ये साखियां सुनन तो बाद साडा मन विस्मादिक अवस्था चार आ जांदा है, हो जांदा है उस सतगुरु दियां बख्शिशां नूं तक के किसी रंग विच जीव आ जाए। ये साखियां जो हुण तक सुनियां हन असां ने, जे मन वैराग च आ जांदा है, एक मन दे अंदर उमंग उठदी है कि एक होर साखी सुनिए, उसदे किहो जे होर गुण हन, धन गुरु अर्जन पातशाह सानू समझांदे हन। वो समझांदे हन, वो दसदे हन कि जीव दी अवस्था किवें होनी चाहीदी है। बिसम भई सुनते बिसम भई, बिसम भई
आ गई हां, मैं बड़ी हैरान होंदी हां, हैं सतगुरु इन्ना वड्डा है, सतगुरु इन्ना वड्डा है, जिब ते कैंसर होवे ते सतगुरु बेफिक्री देंदा है। कैंसर जिहा रोग इंसान नूं डरा देंदा है कि ये लाइलाज बीमारी है, ते सतगुरु बेफिक्री देंदा है कि जिब तू नाल लेके आई सै, ये भी तो उसकी है ना, जो उसकी रजा है, चिंता ना कर कुछ नहीं होएगा, हैं सतगुरु इन्ना वड्डा है। बिसम भई मैं बहु बिद सुनते, बिसम भई मैं बहु बिद सुनते, कहो सुहागन सहियो, कहो सुहागन रो, देहो संदेश रो, देहो संदेश रो, देहो संदेश रो, कहियो प्रिय कहियो, कहियो प्रिय कहियो, विषम भई तो सब मैया, तो सब बार बार
गई संत दरियाया सर सुख नानक ते पाया कहतो सब बार बार ओ कहतो सब मैयो ओ कहतो सब बार बार ओ कहतो सब मैयो ओ कहतो सब बार बार ओ कहतो सब बार बार पंके लोयण तंत रिसाला तेरे पंके लोयण तंत रिसाला बार जो गुरु दी से सिखड़ा तिस नेव नेव लागा पाए जियो ओ कह तो सब बाहर बार ओ कह तो सब बाहर बार ओ कह तो सब मैया Thank you.
अवस्था समझांदे हन उस परमेश्वर दियां गल्लां सुन के उस अकाल पुरख दियां गल्लां सुन के समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अगोचर थाई गोविंद गुरु गुरु गोविंद नानक भेद ना पाए भगती नौ तरह की समझाई गई है कि नौ तरह की भगती है फिर भी बेसिक तौर पे दो भगतियां एक सरगुण स्वरूप की भगती एक निर्गुण स्वरूप की भगती एक भगती है कि सतगुरु नूं साकार दस्या गया है एक भगती है सतगुरु नूं निराकार दस्या गया है। धन गुरु अर्जन पातशाह कहिंदे ने को कह तो सब बाहर बाहर साकार रूप विचकार को कह तो सब मैयो अंदर छिपिया है साडे हिरदे दे अंदर निराकार भगती बरन न दिसै चिहन न लखीऐ सुहागन सांत बुझइयो सर सारियां दे हिरदियां विच परमेश्वर दा है दिसदा क्यों नहीं सारियां दे हिरदे चार परमेश्वर है लेकिन बार तां गल्लां इंज करदे हन कि राक्षस होने बरन न दिसै चिहन न लखीऐ सुहागन सांत बुझइयो सतगुरु आप ही इसका विस्तार करके दसदे हन सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं फल पइयो सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं फल पइयो सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं फल पइयो सर्व निवासी कट दस रहे हैं पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन पातशाह कह नानक कहत सुनो रे लोगा ओ परमेश्वर किथे है संत रसन को बसइयो संतां दी रसना ते या जेड़ी रसना संतां वाले बोल बोले संत दी डेफिनेशन की है संत किसनों कहंदे हन बाणी नूं पुछिए बाणी कहंदी है जिन्ना सास गिरास न विसरै हर नामा मन मंत तन से सेई नानका पूरन सेई संत जिन्हां दी रसना तो हर वेले उस परमेश्वर दा नां उस परमेश्वर दी उपमा उस परमेश्वर दी गलां होन उस रसना ते आप परमेश्वर बैठा हुंदा है। परमेश्वर दी गलां की हन परमेश्वर मिठ बोलड़ा है परमेश्वर सारिया नाल न्या करदा है परमेश्वर सद बख शेंद
सदा मेहरवाना किसी नाल लेखे नहीं लांदा ए गुण हन संत रसन को बसइयो जिस रसना ते ए गुण आ जावन उस निरंकार दी सिर्फ सलाह विचार रवे जेड़ा जेड़ी रसना नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मनते तोखा तां लहै जां सिफत करी अरदा जेड़ा उसी सिफत चकार रहेगा वो हमेशा खेड़े चकार रहेगा जेड़ा शुकराने विचकार रहेगा वो हमेशा खेड़े चकार रहेगा जो कुछ है ये जे जो परमेश्वर दा जानेगा वो शुकराने चकार रहेगा वो खेड़े चकार रहेगा जेड़ा संसारिक चीज़ां नूं अपनियां समझेगा वो हमेशा फिकर ते चिंता विचकार रहेगा फरीदाबाद दियां संगतां अज मालक दा कोटान कोट धन्नवाद कर रहियां हन उस मालक दा जिस मालक ने सानूं उस अकाल पुरख दे चरणां दे नाल जोड़िया आप समर्थ होंदिया होया सब कुछ कर सकदिया होया जिवें आप जिन्हें हुण साखियां सुनिया भावें साखी मदन लाल चुग जी दी होई जिन्हां दे जीवन नूं सतगुरु सेवा राम जी ने किवें पलटा दिता उन्हां दे साथी सन भाई नथू राम जी ये दोनों साथी सतगुरु भगवान दास जी दे दरबार दी अनन सेवा करन ऐसी सेवा जो आम बंदा नहीं कर सकता अपने कार विहार छड़ के बच्चे छोटे होंदे सन उन्हां दी परवरिश छड़ के संगत दी सेवा कर जुड़ जाना लेकिन सेवा थां भी तां पवे गुरु दा सिर ते हाथ होंदा है तां सेवा थां पैंदी है ते सतगुरु जी जाणदे सन भांग माछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए तीरथ बरत नेम सभी रसा तल जाए कितनी ही सेवा कर लो कितना ही नाम जप लो जे इस पासे वल चले गए भांग माछली सुरा पान तकी होंदा है तीरथ बरत नेम सभी रसा तल जाए सारे खत्म हो गए ते सतगुरु सेवा राम जी ने इन्हां बच्चियां दी सेवा नूं सकारथ करना सी ते अज चोज वरता दिता वक्त आ गया मदन लाल चुग जी का जीवन बदल दिता ते उत्थे नथू राम जी क्योंकि दोनों आपस कार दोस्त सन दोनों ही सेवा करते सन जिस वेले प्रोग्राम की समाप्ति हुई दास सेवक नथू राम जी दे कोल सतगुरों के सेवक सतगुरु भगवान दास दरबार के सेवा करने वाले उन्होंने बेनती की कि तुसी भी प्रण कर लो तुसी भी प्रण कर लो नथू राम जी आखण लगे बत्रा जी विचार करना हाँ समा बीतिया थोड़ा जा ते सतगुरु सेवा राम जी हफड़ आए दास ने सतगुरु सेवा राम जी अगे बेनती की सच्चे पातशाह जिथे आप जिन्हें मदन लाल चुग जी ते कृपा की है उसे साथी नथू राम ते भी कृपा कर दो दास का एक कहना सी ते सतगुरु सेवा राम जी मुस्कुरा पे ते दास दे मोड़े ते बड़ी जोर ना हाथ मारिया
अंतरजामी सतगुरु आखन लगे बत्रा जी शुरुआत इत्थों कर दिती है ना, क्योंकि वार्ता में दास दी पहलों हुई सी नथू राम नाल, सतगुरां के बाद ही गल हुई ते सतगुरां ने मोढ़े ते बड़ी जोर ना हाथ मारिया ते मुस्कुरा के कहिंदे बत्रा जी शुरुआत तां तुसां कर दिती है ना, सतगुरु भगवान दास जी चंगी करनगे। सतगुरु सेवा राम बचन सतगुरु भगवान दास जी चंगी करनगे। हुण सतगुरां वालों इशारा हो गया, दास होर पक्का हो गया, दास बार गया क्योंकि बाबे डेरे अंदर गल हुई सी नथू राम जी घर जाण दी तैयारी कर रहे सन, ते नथू राम जी नूं पकड़ के दास सतगुरां कोल ले आया। दास ने बेनती की थी, महाराज जी इस ते कृपा कर दो, इसनों भी चढ़ा दो जहाज ते। सतगुरु मेरा दे घर च आ गए, आंगण लगे बचिया बत्रा जी की गल मन लै। नथू राम चरणा ते टह पिया, सतगुरां ते उठे नहीं, ते सतगुरां ने उसके कंड ते हाथ रखे, आखण बस बेटा गुरु भली करेगा। अज नथू राम ने भी प्रण कर लिया कि मैं भी उन कमां तो बचांगा जिन कमां ते सतगुरु खुश नहीं होंदे। सतगुरु सेवा साड़ी थां पाना चाहते हैं, बाणी गवाह है, भांग माछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए तीरथ बरत नेम सभी रसातल जाए। व्यर्थ क्यों जावां ने चीज़ां जो सेवा कर रहे हो, गुरु दर दियाँ हाजरियाँ भर रहे हो, अकाल पुरख सतगुरु गुरु दे दर्शन कर रहे हो, ये घड़ियाँ क्यों व्यर्थ जावन? उन चीज़ों का परहेज किया जाए जो गुरु ने सानू मना की है। आज नथू राम ने प्रण कर लिया कि मैं इन कमां तो बचा नहीं करा। नथू राम जी थोड़ा समा बीतिया ते बीमार होना रहने लग पाए, डॉक्टर को इलाज कराना शुरू किया, फर्क ना पिया तो डॉक्टर आखन लगे नथू राम जी जो काम पहले करते थे ना थोड़ा थोड़ा कर ही जाओ, क्योंकि तुम्हारा शरीर हैबिचुअल हो गया है, अब उसके बगैर नहीं रह सकता, तुम थोड़ा थोड़ा कर ही जाओ। ते नथू राम आखन लगा मैं तो हूँ अपने सतगुरां नाल प्रतिज्ञा कर चुकिया हाँ, हुण तां मेरा राखा सतगुरु होएगा, हुण मेरा राखा सतगुरु होएगा, इतना निश्चय दृढ़ निश्चय, हुण मेरा राखा सतगुरु होगा, मेरे प्राण निकल जावन लेकिन मैं हाथ नहीं लावांगा, मैंने अपने सतगुरां नाल वचन कर दिता है। समा होर बीतिया ते तबीयत ठीक ना होई, घरों निकलना बंद हो गया, इतने ही गर्मियां दे दिन सन जो आजकल चल रहे हैं, उन्हां दा चलाना हो गया नथू राम जी दा। साध संगत जी सतगुरां दा की हुकम, संत माता जी दा की हुकम, बचियो गुरसिख दे घर अखंड पाठ रखना है। उन्हां दा घर सी बुलंदशहर रोड ते, संगी सारे गुरपाई रहिंदे सन उरले पासे, गर्मियां दे दिन जिस अजकल तुसीं तक रहे। धन गुरु अर्जन पातशाह जी का शहीदी गुरपुरब थी, तो सब जगह अखंड पाठ रखे हुए सन, पाठी सिंह मिल नहीं रहे सन। सतगुरों का हुक्म गुरसिख दे चलाने ते अखंड पाठ साहिब पाठ किया जाए। ओ गुरसिख जिहड़ा किसी वेले रैणियां घर नहीं सी, ते सतगुरां दे बचना दे करके रैणियां घर आया, ते अज सतगुरां ने किन्ना वड्डा तोहफा उसनों दिता,
कि सारी संगत उसे घर जाके श्री अखंड पाठ साहिब वारियां लितियां। इस गर्मी दे विच, ऐसी गर्मी दे विच कि उस नथु राम जी दे अंतिम अरदासे कर शामिल हो के उसका परलोक सवार दिता। यह पूरे गुरु की निशानियां, पूरा गुरु एक तो होंगे सानू संसार का रहिंदिया भी साड़ी लोड़ ते कोई साढ़े को नहीं पहुँचता। एक वो है जो सानू अगले समय तक मरने तक सानू संभालता है, वो साड़ा अगला सारो सवारदा है। ये साखियां, ये उन्हां दियां प्रैक्टिकल जीवन दियां सानू सेध। बचो जे भजन करते हो, सिमरन करते हो, सत्संग दियां हाजरियां भरते हो, तो इन्हां गलां तो बचो जिहड़ियां गलां साढ़े लई मना हन। तामसिक भोजन नहीं छकना, उन्हां चीज़ां का सेवन नहीं करना जो साढ़े लई मना हन। भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाए, तीरथ बरत नेम सभै रसातल जाए। ते सतगुरु ने बचाया गुरसिखां नूं, कितनी कृपा, कितनियां बख्शिशां, कितनियां रहमतां उन्होंने कीतियां। हापड़ चोपले ते दुकानां हुंदियां सन, ये दुकानां चली गईयां ते सतगुरां दे बस बचन सन, सिमरन दे नाल जुड़ जाओ, नाम दे नाल जुड़ जाओ, सतगुरु एक तो अनेक करेगा। ते अज असीं तकने हाँ जिन्हां दी एक दुकान सन, तीन तीन दुकानां हन, ये सब सतगुरुआं दे बख्शिश, सब उन्हां दियां किरपा, उन्हां दे उपकार। ते सानूं हैरानगी हुंदी है, हैरानगी है। धन गुरु अर्जन पातशाह कहिंदे ने, बिसम भई मैं हैरान होना हाँ उसदे उपकारां नूं तक के, उस दियां रहमतां नूं तक के, उस दियां बख्शिशां नूं तक के। सतगुरां नूं सिर्फ बेनती कीती सी, सच्चे पातशाह तुसीं साढ़े नाल मेरठ चलो, क्योंकि अदालत मेरठ है, केस मेरठ है, इनकम टैक्स दे ऑफिसर आए सन भाई लाल शाह जी दुकान ते, आपस विचकार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग विचकार गुरसिख लाल शाह ने उस अफसर नूं चपेड़ मार दिती, सरकारी अफसर नूं चपेड़ मार दिती इनकम टैक्स दे, केस बन गया, फैसला होना है। मास्टर कुंदन लाल जी सतगुरां नूं बेनती करन, सच्चे पातशाह तुसी किरपा करो साडे नाल मेरठ चलो। ते सतगुरु आखण लगे, मेरे जाण नाल की होना है, मेरे जाण नाल की होना है। तो कुंदन लाल जी आखण लगे, सच्चे पातशाह बस तुसी जज की कुर्सी दे चक्कर कट देना, आपे काम रास हो जाएंगे, आपे काम रास हो जाएंगे, ये विश्वास साढ़े अंदर होवे। देखो गुरसिख ने अफसर नूं चपेड़ मारी है, तो वकील कहता है इसका जरूर सजा होएगी, सरकारी अफसर नूं चपेड़ मार देती, वकील कहता है जरूर सजा होएगी, थोड़ी होवे ज़्यादा होवे सज़ा जरूर होएगी। ते नाल सतगुरां दा प्यारा लाडला गुरसिख कुंदन लाल मास्टर जी कहंदे, सच्चे पातशाह तुसी साडे नाल मेरठ चलो। ते गुरु, गुरु तो आम तौर पर चवर करांदे हन, गुरु तो पैसे रख के मत्थे टिकांदे हन, ते ये गुरु, ये सतगुरु सेवा राम जी साडे नाल अदालत जांदे हन। कुंदन लाल जी आखण लगे, मालक साडे जाण नाल की होना। ते कुंदन लाल जी आखण लगे, सच्चे पातशाह आप जी एक कुर्सी का चक्कर कट देना बस, कि काम हो जाएगा साडा। सच्चे पातशाह सहज सुभा आखण, चल भाई
जिस तरह मास्टर जी तुसी आख दे मेरठ पहुँच गए, अदालत कर बहस हुई, सब कुछ हो, लंच बाद फैसले होने हैं, अनाउंस होने हैं, दसने हैं फैसले सारे दे। जज कुर्सी तो उठ के चला गया लंच दे रही, तो हुण कुंदन लाल जी कहते थे चे पातशाह कृपा करो कुर्सी का चक्कर कट दे। सचे पातशाह मुस्कुरा पिया, फिर आखन लगे साढ़े करने ना की होएगा, जज ने जो फैसला देना है देगा। मास्टर कुंदन लाल जी फिर बेनती कर सचे पातशाह कृपा कर दो, करना सब आप जी नहीं है, बख्शिश करो, छोट कर दो, छोट तुसी छोट कर दो। सतगुरु सेवा राम जी गुरसिख की गल मानते हुए ज्यों कुर्सी ते चढ़े उत्ते प्लेटफार्म जिहड़ा बना हुंदा है उत्ते चढ़े ते जाए दी कुर्सी कोल जाए गए पहुँचे पिछे एक सैकेंड लई रुके ते उस कलम जिस कलम नाल जज फैसले दिंदा है कलम दे सामने पई सी सतगुरां ने निगाह की ते सतगुरु थले आ गए उतर गए। आखण लगे कुंदन लाल जी मास्टर जी सानू आ गया है चलिए। सचे पातशाह चले गए। लंच बाद जिस वेले जज आया ते फैसले हुए पेशकार नूं फाइल पकड़ाई ते पेशकार पढ़ता है लाल शाह को बरी किया जाता है। वकील कहता है सरकारी वकील की तो फिर पढ़ भाई सरकारी अफसर नो चांटा मारे फिर पढ़। पेशकार फिर पढ़ता है लिखता है कि लाल शाह को बरी किया जा रहा है। उस भारी कचहरी विचकार गुरसिखा ने जयकारा ला दिता तन तन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदा ही। यही साखियां सुन के साडे मन चो आवाज आनी चाहिए कि विषम भई मैं बहुत बिद सुनते विषम भई समाज की अवस्था कर आ जाना हाँ। मेरा सतगुरु इन्ना वड्डा उसी निगाह इतनी उच्ची एक निगाह तो पाए सी कलम ते कलम ने लिखनी सी सजा ते कर दिता बरी। यह उस दियां बख्शिशां ते रहमतां ते चोज पढ़ो विषम भई मैं बहु भेद सुनते विषम भई मैं बहु भेद सुनते कहो सुहागन सहियो सुहागन सहियो कहो सुहागन सहियो रो ते हो संदेश रो कहियो प्रिय कहियो। धन गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं कि मैनू सुनाओ देहो संदेश रो कि मेरा मालक किहो जिहा है किहो जी उसदियां उपमा हैं किहो जी उसदियां वार्ता हैं किहो जे उसदे चोज हैं देहो संदेश रो मैनू सुनाओ मैनू दसो। इतने प्यार कर गुरु अर्जन पातशाह बाणी रचते हैं देहो संदेश रो देहो संदेश रो कहियो प्रिय कहियो कहियो प्रिय कहियो
सहियो कहो सुहागन सहियो कहो सुहागन सहियो कहो सुहागन सहियो मन बनाया सी लेट हो गया हाँ माफ़ी चाहूँगा साहब महाराज जी को नाल ही बेनती करांगा आप जी कृपा करो संगतों नूं मिठे मिठे बचन अनमोल बचन सरवण कराने हैं आप जी ने ते नाल ही आने वाले प्रोग्रामां दे बारे च आप जी दी रसना तो संगत सुने कि पाठां दी लड़ी दी अरंभता किस तरीक होएगी आप जी संगतों नूं कृपा करके आने वाले प्रोग्रामों के बारे दसना ते अनमोल बचना द्वारा संतों निहाल करो सत्कार्यो साहब महाराज जी।